हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी ने सुना होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग सभी विभागों की प्रयोगशाला है। तो हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि यह विभाग बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, फंडामेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन जिसे कहते हैं जिंदगी की नींव, घर की नींव, सारे विभागों का आधार है बेसिक शिक्षा। तो निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा जो है सभी विभागों की प्रयोगशाला है, क्योंकि सारे विभागों का जन्म यहीं से होता है, हमारे बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा से होता है। तो दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अगर आप बेसिक शिक्षा के अध्यापक हैं, अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, यानी जितने भी इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, मैं तो सभी को धन्य मानता हूँ और मैं सभी की वंदना करता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा इकलौता विभाग है जो सभी विभागों के लिए जो मैन पावर है उसको तैयार करता है। तो निसंदेह बेसिक शिक्षा विभाग पर सब लोगों की नज़र होगी, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री है दोस्तों, जहाँ से सारे माल निकलते हैं, तो उस फैक्ट्री की तरफ सबकी निगाहें होती हैं कि फैक्ट्री से अच्छे माल निकल रहे हैं कि खराब माल निकल रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग तो फैक्ट्री के अंग हैं, फैक्ट्री की हम मेन मशीनरी हैं, जहाँ से प्रोडक्ट जो निकलेगा वो अच्छा निकलेगा कि खराब निकलेगा, ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं एक साथ दो आदेश, एक के बाद एक, क्योंकि हमारे विभाग में आदेश ही तो हैं जो लगातार आते रहते हैं। अरे, आदेशों को कंप्लाई करने के लिए भी समय होना चाहिए। रात में आदेश आए, सुबह आदेश बदल गए, एक घंटे बाद दूसरा, एक घंटे बाद तीसरा, एक घंटे बाद चौथा, एक घंटे बाद पांचवा, एक घंटे बाद छठवां, यानी 24 घंटे में 24 आदेश। किसको कंप्लाई करें, किसको ना करें, किसको छोड़ दें, बड़ी समस्या होती है। फिर भी दोस्तों, बेसिक अध्यापकों का सीना, उनका जिगर बहुत चौड़ा है, वो सब कर लेते हैं। आने दो, सारे आदेशों को फॉलो किया जाएगा, सारे आदेशों को एक साथ अपनाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि एक साथ दो आदेश, एक के बाद एक, दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु नया आदेश, प्रतिनियुक्ति पर गए अध्यापकों को वापस करने का आदेश। आइए देखते हैं आदेश में क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए कुछ करने का मन करता है। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको इस आदेश में क्या है। तो आप देख पा रहे हैं, यह आदेश जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, 3 अप्रैल 2021 आज ही है। विषय है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्त पुस्तिका, प्रिंटेड मटेरियल एवं गणित किट पर आधारित दो दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक ये दिनांक 15 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्त पुस्तिका, प्रिंटेड मटेरियल एवं गणित किट पर आधारित दो दिवसीय शिक्षक परीक्षण के आयोजन के संबंध में निर्देश प्रेषित किए गए हैं। अग्रेतर शासनादेश संख्या ये दिनांक 2 अप्रैल 2021 द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश में उल्लिखित है कि उक्त अवधि में छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे, साथ ही यदि विद्यालय में अन्य प्रशासनिक कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक फला ये
दिनांक 15 जनवरी 2021 द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जनपदों विकास खंडों में शेष शिक्षकों का, पहले तो काफ़ी शिक्षक ले चुके हैं इस प्रशिक्षण को, कम से कम 3 पारी चल चुकी है, लेकिन बाकी जो शिक्षक बचे हुए हैं उनके बारे में बात हो रही है कि शेष शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 5 से 20 अप्रैल 2021 की अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अर्थात दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपने 2 दिवसीय प्रशिक्षण नहीं लिया है तो 5 अप्रैल से जो है 20 अप्रैल के बीच में ऑफलाइन आपका वह प्रशिक्षण चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ऑनलाइन नहीं लिखा हुआ है। सावधानी पूर्वक जाइएगा, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, आप बस से मत जाइएगा, अपने वाहन से जाइएगा। कल यानी परसों 5 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक आपका 2 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, ठीक है। 3 चरण में प्रशिक्षण हो चुका है और बाकी शिक्षक बचे हैं उनको जो है 20 अप्रैल तक पूरा करने का आदेश हो चुका है, और बहुत ही श्री विजय किरण आनंद जी राज्य परियोजना निदेशक। आइए दोस्तों हम आपको दूसरा आदेश दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, ये है दूसरा आदेश। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था इसी बीच में ये दूसरा आदेश टपक पड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको इसी आदेश को दिखा देता हूँ। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक फला ये है और दिनांक 3 अप्रैल 2021। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड के सभी विद्यालयों को दिनांक 11 अप्रैल 2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने के संबंध में, महोदय उपर्युक्त विशेष शासनादेश संख्या ये बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 2 अप्रैल 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का निष्कर्ष करें, जिसके द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी में सतर्कता एवं सावधानी बरतने हेतु प्रदेश के कक्षा 1 से कक्षा 8 के समस्त निजी विद्यालयों सहित में दिनांक 11 अप्रैल 2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने तथा इस अवधि तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे के साथ यदि विद्यालय में अन्य प्रशासनिक कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के अनुपालन में कोविड-19 वैश्विक महामारी में सतर्कता एवं सावधानी बरतने के दृष्टिगत दिनांक 11 अप्रैल 2021 तक प्रदेश की कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यालयों निजी विद्यालयों सहित में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा तथा छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे, परंतु परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्य यथा हाउस होल्ड सर्वे अर्थात बालगणना जिसे कहते हैं, या हाउस होल्ड सर्वे बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया, मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में भेजे जाने, खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला, परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम यूडाइस प्लस की गतिविधियों एवं समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में आवश्यक होगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी की उपस्थित कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन पूर्णतया कराते हुए सुनिश्चित कराया जाए। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। भौदीय श्री प्रदीप सिंह बघेल जी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने जो प्रश्न उठाया था उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस आदेश में निहित हो चुका है, क्योंकि जब आप प्रश्न उठाते हैं तो हमारा प्रशासन उन प्रश्नों का जवाब देता है, उन प्रश्नों के लिए आदेश निर्गत करता है कि आखिर अध्यापक विद्यालय में जाएंगे तो क्यों जाएंगे, अगर अध्यापकों को प्रशासनिक कार्य करना है तो कौन सा प्रशासनिक कार्य करना है। अब आप दोस्तों आप देख चुके हैं कि यह आदेश
प्रयागराज इलाहाबाद से आ चुका है बेसिक शिक्षा परिषद से, तो अब आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। आपको 5 अप्रैल से विद्यालय जाना ही जाना है। आप 5 अप्रैल को विद्यालय जाइए और 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको विद्यालय में रह करके जो कार्य यहाँ बताए गए हैं उन सभी कार्यों को संपादित करना है। अब आप ये अपने मन में शिथिलता ना लाएं कि हमको विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है। अब मैं कह सकता हूँ कि आप सबको विद्यालय जाना है, क्योंकि यह आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से आ चुका है। आपको विद्यालय जाना है, जाना है, जाना है। आइए हम आपको तीसरा आदेश दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तीसरा आदेश, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, 31 मार्च को यह आदेश जारी हुआ है। जिला स्काउट एवं व्यायाम शिक्षकों के कार्य मुक्त किए जाने के संबंध में, महोदय उपर्युक्त विषय कार्यालय के पत्रांक संख्या ये, दिनांक ये 19 जनवरी के आदेश के विरुद्ध श्री विवेकानंद दुबे जनपद चंदौली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित संख्या ये विवेकानंद दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22/2021 के पारित आदेश के क्रम में पत्रांक महानिदेशक ये के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ पत्र निर्गत किया गया, जिसमें विस्तृत निर्देश प्रेषित करते हुए 2 दिन के अंदर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। पुनः उक्त याचिका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15 मार्च 2021 को सुनवाई करते हुए जो आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत है। परफॉर्मिंग ऑफ एडिशनल ड्यूटीज इज नॉट द रीजन फॉर विच अ टीचर इज अपॉइंटेड, इट इज ओनली आफ्टर परफॉर्मिंग ऑफ एसेंशियल functions as teacher that state can ask a teacher to perform additional work. Perform of additional work is no circumstances can be at the cost of teaching work by the concerned teacher, headmaster. This court therefore is not inclined to entertain petitioner's grievances in as much as the respondents have merely asked the teachers to perform their essential teaching work and not encourage allocation of additional duties as district coordinator etc. उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का 100% अनुपालन करते हुए तत्संबंधी आख्या 3 दिन के अंदर कार्यालय की मेल आईडी इस पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक उक्तवत भौदी श्री विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों, ये रहा तीसरा आदेश, और मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे आदेश नहीं मिल रहा है जिसमें ये कहा गया है कि स्काउट और वो वापस आएंगे। मैं देखता हूँ, अगर वो आदेश मुझे मिल जाता है तो मैं उसको भी इसमें संलग्न करूँ।